मैथ्स का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। कई बच्चे तो अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी मैथ्स के डर से 10th के बाद साइंस को अलविदा कह देते हैं, और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर साइंस ले लेते हैं तो सोचो जरा उन बच्चों के कितने रातें उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते निकल गई होंगी। जबकि हम यहाँ पर मैथ्स को लेकर इतने डर रहे हैं, वहीं एक ऐसे इंसान भी थे जिनके लिए मैथ्स उनके जीवन से बढ़कर था। शायद अब तक आप सबको पता लग ही चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। हम बात कर रहे हैं श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में। 22 दिसंबर 1887 श्रीनिवासा रामानुजन का जन्म हुआ था, वो भी हमारे देश भारतवर्ष में। उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी इक्वेशंस दिए थे उनमें से कुछ ही इक्वेशंस को हम डिकोड कर पाए हैं, जबकि ज्यादातर इक्वेशंस मैथमेटिशियन आज भी डिकोड करने में जुटे हैं। और सबसे अचंभित करने वाली बात तो ये है कि जिस उम्र में हम सेटल होने के बारे में सोचते हैं, बस उतनी सी उम्र में उन्होंने ये सारे इक्वेशंस की खोज की थी। क्योंकि 26 अप्रैल 1920 में सिर्फ 32 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़कर जा चुके थे। डॉक्टर्स का कहना था उनकी मौत का कारण ट्यूबरक्यूलोसिस है, जबकि उनके मौत का कारण कुछ और ही था। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। श्रीनिवासा रामानुजन का जन्म इरोड सिटी के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो अभी तमिलनाडु में स्थित है। रामानुजन को बचपन से ही मैथ्स काफी पसंद थी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, मैथ्स के ऊपर उनका आकर्षण और भी बढ़ता गया। सिर्फ 11 साल की उम्र में वो इतना जान चुके थे कि अपने साथ रहने वाले दो कॉलेज स्टूडेंट्स को मैथ सॉल्व करने में वो अक्सर हेल्प किया करते थे। इतनी छोटी सी उम्र में ही रामानुजन ज्योमेट्री और इन्फिनिटी सीरीज के बारे में काफी ज्ञान अर्जित कर चुके थे। साल 1903 में रामानुजन को एक बुक मिला, ए साइनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो G.S. कर द्वारा लिखा गया था। इस बुक में 5000 थ्योरम्स थे जिनको रामानुजन ने अच्छे से स्टडी किया था। कहा जाता है कि इसी बुक के कारण रामानुजन के अंदर का टैलेंट उभर के बाहर आया था। इतने छोटे उम्र में मैथमेटिक्स में इतना ज्ञान होने के कारण उनके स्कूल के हेडमास्टर कृष्ण स्वामी अय्यर ने उन्हें के रंगनाथा राव प्राइज से सम्मानित किया था। मैथ्स के साथ साथ रामानुजन बाकी सारे सब्जेक्ट में भी अच्छे थे, जिसके कारण उन्हें गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलता था। लेकिन बाद में उनका मैथ्स में इंटरेस्ट इस कदर बढ़ गया था कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता था, और इसी कारण से वो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल होते गए और सरकार द्वारा दिए गए स्कॉलरशिप भी बंद हो गया। लेकिन ये बंदा हार मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने कॉलेज भले ही छोड़ दी थी, लेकिन खुद मैथ्स में रिसर्च करने लग गए। रामानुजन मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में 30 रुपए पगार के हिसाब से क्लर्क का काम किया करते थे, और वो इसी दौरान अपने काम को जल्द से जल्द निपटा के अपनी रिसर्च के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाला करते थे। साल 1913 में रामानुजन ने अपने रिसर्च के काम को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के MGM हिल को अपना रिसर्च सेंड किया, लेकिन हिल ने मना कर दिया, क्योंकि रामानुजन के पास मैथ्स का नॉलेज होते हुए भी उनके पास एकेडमिक डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं था, जो एक मैथमेटिशियन के पास होना चाहिए। लेकिन इससे भी रामानुजन का हौसला नहीं टूटा, और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन E.W. हॉब्सन और H.F. बेकर को अपना रिसर्च सेंड कर दिया, लेकिन इस बार बिना कुछ कहे ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद रामानुजन ने G.H. हार्डी को लेटर लिखा, लेकिन इस बार पिछले दो बार की तरह रामानुजन को निराश नहीं होना पड़ा। इस बार हार्डी को रामानुजन का काम पसंद आ गया। हार्डी ने अपने दोस्त लिटिल हुड के साथ मिलकर रामानुजन के रिसर्च को स्टडी किया और रामानुजन को तुरंत इंग्लैंड बुला लिया। और इसके बाद रामानुजन 5 साल तक कैम्ब्रिज में रहे, और 6 दिसंबर 1917 में उन्हें मेंबर ऑफ लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में सिलेक्ट कर लिया गया। और फिर आता है 1919, जब रामानुजन की तबीयत बिगड़ गई, जिसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला तो वैसे ही इंग्लैंड में सब्जी ज्यादा नहीं मिलती है, ऊपर से वो वेजिटेरियन थे, और दूसरा कारण था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जिसके कारण उस टाइम सब्जी मिलना काफी मुश्किल था। इसी तरह खाना ना मिलने के कारण वो पूरे दिन खाना नहीं खाते थे, और ऐसे खाना ना मिलने के कारण दिन पर दिन वो बीमार पड़ते गए, और डॉक्टर ने कहा उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस हो गई है। इसके बाद साल 1919 में वो वापस इंडिया आ गए, और फिर 26 अप्रैल 1920 को वो काला दिन आखिर आ ही गया, जब वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन इस घटना के ठीक 74 साल बाद जब डॉक्टर D.A.B. यंग ने रामानुजन की रिपोर्ट को फिर से चेक किया, तो पता चला उनकी डेथ ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण नहीं, बल्कि हेपेटिक एमीबियासिस के कारण हुई थी। सबसे दुख की बात तो यह है कि उस टाइम इस बीमारी का इलाज तो था, मगर बीमारी को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल था। जब रामानुजन मौत के करीब थे तब भी उन्होंने रिसर्च करना नहीं छोड़ा था, वो बिस्तर पे लेटे हुए ही अपना काम करते थे।
अक्सर रामानुजन कहा करते थे, उन्हें उनके गॉड इन अमागिरी सपनों में आकर कई सारी क्वेश्चंस को हल करने में मदद करते थे। और वो ये भी कहते थे कि उनके सपनों में एक दीवार आती है जिन पे एक हाथ आकर डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले लिखा करते थे, और रामानुजन नींद से उठकर वो सारे फॉर्मूले नोट कर लेते थे। एक बार रामानुजन ने चंद सेकंड में एक यूनिक नंबर की खोज कर ली थी, और ये घटना तब घटी थी जब रामानुजन हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्हें देखने के लिए हार्डी हॉस्पिटल में पहुंचे। लेकिन रामानुजन ने देखा हार्डी बहुत ही उदास दिख रहे हैं, तो उन्होंने हार्डी से उदास होने का कारण पूछा। तब हार्डी ने उन्हें बताया कि वो जिस टैक्सी में हॉस्पिटल पहुंचे उसका नंबर 1729 था, जो उनके लिए अनलकी है। तो रामानुजन थोड़ी देर सोचने के बाद हार्डी को बताया, ये नंबर तो बहुत ही यूनिक और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। ये हमें तब मिलेगा जब हम दो क्यूब को दो अलग तरह से सम करेंगे। 1729 नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत आसान है, पर सिर्फ 32 साल तक के इस छोटे से टाइम पीरियड में इतने सारे इक्वेशंस फॉर्मूले आविष्कार करना कोई आसान काम नहीं। उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये काम एक इंडियन ने कर दिखाया। लेकिन दुख तो तब लगता है जब हम इंडियन ही उन्हें उनका सम्मान देने से पीछे रह जाते हैं, जबकि 2015 में हॉलीवुड में उनके ऊपर एक मूवी बनाया गया था जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। कई सारे मैथमेटिशियन का कहना है कि अगर रामानुजन के सारे इक्वेशन सॉल्व करना मुमकिन होता है तो आगे जाके हमारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में काफी मदद मिलेगा, जैसे कि लिमिटलेस फ्री एनर्जी, टाइम ट्रैवल, एंटी ग्रेविटी और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।